नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा। कल देर रात नतीजे आए हैं इस कंपनी के, सरकारी कंपनी और शानदार कंपनी है, नंबर्स भी काफी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। स्टॉक का नाम है ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस। आपने देखा दो दिन पहले लोकसभा में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने क्लियर कट बोला है कि भैया अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा क्या खरीदना है तो सरकारी कंपनियां खरीद लो, और ये विपक्ष पे ताना कसते हुए बोला उन्होंने। और ये बात एकदम सही है, जहां पे सरकारी कंपनियों को कोई पूछता भी नहीं था, कोई देखता भी नहीं था, अगर कोई खरीद के डाल रहा है उन्हें तो केवल और केवल एक ही पर्पस होता था, डिविडेंड। हर बंदा सरकारी कंपनी केवल डिविडेंड के लिए लेता था। लेकिन ये लंबे समय बाद, मुझे याद भी नहीं ऐसा लास्ट कब हुआ था, लंबे समय बाद ऐसा हुआ है कि कंपनियों ने डिविडेंड तो छोड़ो रिटर्न्स बना के दिए, वो भी बड़े वाले। मजगांव डॉक तो मल्टीबैगर हो गया, HAL को देख लीजिए, BEL को देख लीजिए, NTPC देखिए, कोल इंडिया देखिए, ONGC खुद को उठा के देख लीजिए। मतलब यहाँ निवेशकों ने पैसा भी बनाया और डिविडेंड भी कमाया। NMDC, अभी यहाँ पे आप सभी के साथ ONGC के नंबर्स डिस्कस करता हूँ पहले, फिर फर्दर बात करेंगे कि क्या यहाँ निवेश फ्रेश बनता है, नहीं बनता है, जिनके पास है उन्हें क्या करना चाहिए, नंबर्स कैसे आए और मंडे को क्या एक्शन हो सकता है इस स्टॉक में। ONGC की बात की जाए तो ऑयल एंड नेचुरल गैस ने स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट जो पेश करा है, कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर घाटे से मुनाफे में आ गई है। लगभग 248 करोड़ के लॉस के सामने कंपनी ने 10,150 करोड़ का प्रॉफिट पेश करा है। 10,150 करोड़ का प्रॉफिट, ये भारत है यहां पे ना, मतलब अब अलग लेवल की कंपनियां बन रही है। ये एक एक क्वार्टर में 10,000 करोड़ का प्रॉफिट बनाने लगी है। रिलायंस 70,000 करोड़ का प्रॉफिट बना रही है एक फाइनेंशियल ईयर में। HDFC बैंक 50,000 करोड़ का प्रॉफिट बना रही है। ये मतलब आप देखो किस हिसाब से कंपनियां बड़ी हो रही हैं। यहाँ पे निवेशित रहने में ही फायदा है। मैं आपको बस ये सारी चीजें आपको ये बताती हैं कि कंपनियां कितनी बड़ी हो रही है। यहाँ 10,000 करोड़ का कंपनी ने एक सिंगल क्वार्टर में प्रॉफिट पेश करा है, और इसने पूरी तरीके से बाजार के अनुमान को बीट करा है। बाजार का अनुमान था 8,300 करोड़ के प्रॉफिट का, जिसके सामने 10,150 करोड़ का प्रॉफिट पेश कराया कंपनी ने। बहुत ही तंगड़े नंबर दिख रहे हैं, बहुत ही शानदार नंबर दिख रहे हैं। आगे अगर रेवेन्यू की बात की जाए तो रेवेन्यू उतना कोई खास जंप नहीं करा है, यानी कि टॉप लाइन में कोई बढ़त नहीं है, बॉटम लाइन ही बढ़ा है। वो क्यों बढ़ा है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप रेवेन्यू देखें तो 36,300 करोड़ के सामने 33,800 करोड़ पे रेवेन्यू आया है। रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर घटा है, और ईयर ऑन ईयर बेस पे तो ज्यादा घटा है। 42,000 करोड़ के सामने 33,814 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने पोस्ट कराया। तो चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो चाहे वो ईयर ऑन ईयर बेस पे हो, दोनों जगह रेवेन्यू कंपनी का घटता हुआ दिखा है। अब आ जाते हैं दूसरे पैमाने पे, कामकाजी मुनाफा 11,870 करोड़ से बढ़कर 17,750 करोड़ पे कंपनी ने पेश कराया, और अनुमान था 16,500 करोड़ का। तो पूरी तरीके से बीट करा है अनुमान को, लगभग 1,200 करोड़ के एस्टिमेट से बीट करा है। बहुत ही तंगड़े नंबर दिख रहे हैं। मार्जिन्स देखिए आप, 32.71% से बढ़कर 52.49% पे आ गए हैं, और यही कारण है कि आपकी टॉप लाइन घट रही है लेकिन उसके बावजूद प्रॉफिट आपका ऊपर आ रहा है, क्योंकि मार्जिन बहुत ही तंगड़े बन गए हैं कंपनी के। 52.5% के मार्जिन है, और अनुमान था लगभग 51.6% के मार्जिन का। मैं एक बार ये भी चेक करना चाहूंगा कि कोई अदर इनकम इस कंपनी के मुनाफे में निकल के आ रही हो, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, क्योंकि प्रॉफिट एक्सेप्शनली दिख रहा है, कुछ शानदार ही दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे एक बार चेक कर लेता हूँ अदर इनकम में ज्यादा तो नहीं, बट 3,000 करोड़ तो आ रहा है, और लास्ट क्वार्टर देखेंगे अगर आप तो वहां 4,500 करोड़ का माइनस में था, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 1,600 करोड़ अदर इनकम थी और अभी 3,000 है, तो 1,500 करोड़ का यहाँ पे आप एक बेनिफिट दे सकते हैं जो प्रॉफिट में आ रहा है। तो अगर मैं इस 1,500 करोड़ को एडजस्ट भी करूंगा तब भी मार्केट के अनुमान के सामने बेटर ही दिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं दिखेगी। 10,000 में से 1,500 हटा भी दिया तो भी 8,500 हो गया, और ऐसा नहीं है कि पूरा इसको डिक्लाइन करना है। एक्सेप्शनल कोई नहीं, अदर इनकम भी दो तरीके की होती है, जो इंक्लूड करने वाली है वो इंक्लूड वाली ही है, एक्सेप्शनल नहीं है। तो मैं इंक्लूड करूंगा तो बहुत ही शानदार है, और हटाऊंगा तब भी शानदार ही दिख रहे हैं नंबर। अब आ जाते हैं एक बार स्टॉक के प्राइस के ऊपर, कंपनी के प्राइस की बात कर लेते हैं। 177 यानी 177 रुपए के भाव पर बंद हुआ है। 6 महीने में कंटिन्यू स्टॉक हायर हाईज दिखा रहा है, बीच बीच में करेक्शन भी आती है, डबल बॉटम टाइप फॉर्मेशन बनती है, फिर ऊपर चलने लगता है। एक साल की बात करें तो कोई बड़ी शार्प करेक्शन आई नहीं है, कंटिन्यू स्टॉक ऊपर ही जा रहा है ट्रेंड लाइन के।
40% के रिटर्न्स बना के दिए इस स्टॉक ने आपको। यहाँ से क्या करें क्या ना करें, 52 वीक हाई पे बंद हुआ है आपके लिए, ब्लू स्काई जोन में है, बिल्कुल भी नहीं बेचना चाहिए। जिनके पास भी एक डीप स्टॉप लॉस रखना है तो 170 का रखना है, यानी कि यहाँ से 7 रुपए नीचे, ज्यादा डीप भी नहीं हो, 4-5% ही है, और इस स्टॉक को होल्ड ही करना चाहिए। जितना समय दोगे ट्रेल करते चलो और प्रॉफिट कमाते चलो आराम से, जब तक ये आपका ट्रेलिंग एसएल ब्रेक ना करे तब तक होल्ड करने की राय है। इनफैक्ट मैं तो ये भी कह रहा हूं, अगर कोई रिस्क ले सकता है 170 रुपए के एसएल से फ्रेश भी खरीद सकते हो, ये 200 रुपए की तरफ जा रहा है ऐसा मुझे लगता है। स्टॉक की अगर मैं लाइफ टाइम की बात की जाए तो लाइफ टाइम में ऑलमोस्ट स्टॉक पहले आपके लिए 325 रुपए तक के 2014 में हाइस दिखाई है, ये स्टॉक अगर वहां भी पहुंचे तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट अभी इतनी बड़ी बात नहीं करनी चाहिए, सिंपल सी बात है, आप बस ट्रेलिंग एसएल करोगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये मेरी तरफ से आपके लिए ओएनजीसी के स्टॉक के ऊपर वीडियो, होप आप लोगों को समझो पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।